प्रस्तुत है पाठ बिहारी लाल की भक्ति और नीति के दोहे, और इस पाठ को व्याख्या सहित मैं अल्पना वर्मा प्रस्तुत कर रही हूँ। 15 दोहे हैं इस पाठ में, भक्ति के दोहे और नीति के दोहे। पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामो हरित दुति हुई। ये जो दोहा है ये बिहारी सत्संग के मंगलाचरण के रूप में बिहारी जी ने लिखा है और इसमें राधिका जी की स्तुति की है। और इस दोहे की जो दूसरी पंक्ति है उसके कई अर्थ निकलते हैं, तो हम जो 3-4 अर्थ इसके मान्य हैं उन सभी अर्थों को यहाँ देखेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसे। तो भव का अर्थ होता है संसार, बाधा का व्यवधान, हरो का अर्थ होता है निवारण, नागरी चतुर झाई का अर्थ परछाई से है, श्यामो श्याम श्री कृष्ण, एक रंग काला भी होता है एक रंग, और इसका एक अर्थ पाप से भी है। हरित द्युति के कई अर्थ हैं, इसका अर्थ हरित द्युति जिसका अर्थ होता है जिसकी कांति छीन ली गई हो, एक अर्थ होता है हरा, एक अर्थ है प्रसन्न, झाई का अर्थ है परछाई, पर एक अर्थ है पढ़ने पर। तो जो सभी दोहे हैं पाठ के उनका संदर्भ यही रहेगा कि प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी लाल जी द्वारा रचित तो बिहारी सत्संग से हमारी पाठ्यपुस्तक, जो भी नाम है आपकी पाठ्यपुस्तक का उसमें संकलित भक्ति शीर्षक से लिया गया है। और व्याख्या आप देखते हैं, पहला जो इसका अर्थ हम समझते हैं यहाँ कि वह चतुर राधिका जी मेरे संसारिक कष्टों को दूर करें जिनकी जिनके पीले आभा वाले, अर्थात जो गौर वर्ण है उनका गोरा रंग है, गोरे पीली आभा वाले शरीर की छाया पड़ने से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरित वर्ण की द्युति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं। तो यहाँ पर बिहारी जी का रंगों का ज्ञान भी देखने को मिलता है कि नीला और पीला रंग मिलाकर हरा हो जाता है। तो ये एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ है कि वे चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक व्यवधानों को दूर करें जिनके शरीर की झलक, जिनके शरीर की परछाई पड़ने से भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न मुख हो जाते हैं। ये सबसे सरल अर्थ है, सीधा अर्थ है। इसके बाद एक और अर्थ देखते हैं, हे चतुर राधिका जी आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें जिनके ज्ञानमय गौर शरीर की झलक मात्र से मन की श्यामलता, श्यामलता अर्थात जो मन के पाप हैं मन की बुराइयां हैं वे सब नष्ट हो जाती हैं। चौथा अर्थ भी देख लेते हैं कि वह चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें जिनके गौर वर्ण गोरे शरीर की चमक पड़ने से श्री कृष्ण भी फीकी कांति वाले हो जाते हैं। तो जो पहले तीन हैं वो ज़्यादा सटीक अर्थ लगते हैं। अब काव्य सौंदर्य हम देखते हैं कि इसमें श्लेष अलंकार है, झाई परे श्यामो हरित द्युति। इस पंक्ति में आप देखो हरित द्युति के एक से अधिक और भिन्न अर्थ होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार। काव्य सौंदर्य देखते हैं, कवि बिहारी ने बिहारी सत्संग के मंगलाचरण रूप में राधा जी की वंदना की है और साथ ही अपने रंगों के ज्ञान का भी परिचय दिया। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार रस है और भक्ति रस, श्रृंगार और भक्ति रस, छंद दोहा अलंकार अनुप्रास अलंकार भी है इसमें और श्लेष अलंकार भी, जैसा मैंने ऊपर पहले बता ही चुकी हूँ वहाँ पर श्लेष अलंकार है और गुण प्रसाद और माधुर्य है। इस पाठ में सभी दोहा छंद में लिखी हुई रचनाएं हैं। और दोहा क्या होता है, दो पंक्तियों की कविता होती है और इसमें 4 चरण होते हैं और ये मात्रिक छंद है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो आगे हम अब दूसरा दोहा समझते हैं, अगला दोहा समझते हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद नंद। श्री कृष्ण का अगर आपने चित्र देखा हो और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उनके सर पर मोर के पंखों का बना मुकुट होता है,
तो उसमें जो चंद्रिकाएं होती हैं मोर के पंख में, कहीं कहीं मोर के पंख की आंख कह देते हैं, और मोर के पंख में जो दूज के चांद का सा चमकीला एक चिन्ह होता है उसे चंद्रिकनु चंद्रिका कहा गया है। तो मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद, मोर मुकुट मोर के पंख के बने मुकुट की चंद्रिकाएं यों राजत, ऐसे राजत शोभायमान नंद नंद, नंद का नंदन, नंद के नंदन कौन है? श्री कृष्ण। तो कह रहे हैं कि मोर के पंख के बने मुकुट की चंद्रिकाएं श्री कृष्ण को ऐसे शोभायमान दे रही हैं, मनु मानो शशि शेखर, शशि शशि चंद्रमा, शेखर शिखर सिर, तो चंद्रशेखर जिसके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रशेखर शशि शेखर किसका नाम है? भगवान शंकर का, कि अकस्के से प्रतिद्वंद्वता का भाव रखते हुए या ईर्ष्यावश किए शेखर सत चंद्र, संत सत शत यानी 100, चंद चंद्रमा, शेखर सिर पर, कभी श्री कृष्ण के माथे पर जो मुकुट शोभायमान है उसे देखकर कहते हैं कि मोर मुकुट की चंद्रिकाओं से श्री कृष्ण ऐसे शोभायमान है मानो शिवजी से ईर्ष्यावश उन्होंने अपने सर पर अनेक चंद्रमा धारण कर लिए हैं। संदर्भ आप जानते ही हैं क्या लिखना है आपको, पाठ्यपुस्तक पाठ का नाम और कवि का नाम। प्रसंग में आप लिखिए कि इस दोहे में श्री कृष्ण के सर पर लगे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं से शोभित उनके रूप का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं, व्याख्या में लिखिए कि कवि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों से बना मुकुट, मोर पंखों का मुकुट ऐसे शोभित है या ऐसे शोभायमान है कि उन पंखों के बीच बनी चमकती हुई चंद्रिकाओं को देखकर लगता है कि मानो भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को सिर पर धारण कर लिया हो। काव्य सौंदर्य में आप लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का मोहक वर्णन किया गया है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि मोर मुकुट की चंद्रिकाओं की तुलना भगवान श्री शंकर के सिर पर विराजमान चंद्रमा से करके कवि ने अपनी अद्भुत काव्य कल्पना का परिचय दिया है। भाषा ब्रज भाषा है, छंद दोहा, रस श्रृंगार रस है, और अलंकार अलंकार में म वर्ण की आवृत्ति मोर मुकुट, और शशि शेखर में स वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, मनु शशि शेखर की अक्स, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, और शशि शेखर और शेखर में सभंग श्लेष है, गुण माधुर्य है। और इसके साथ ही यहाँ इन दो दोहों की व्याख्या के साथ भाग एक को मैं समाप्त करती हूँ। अगले दोहों को हम अगली वीडियो में देखेंगे।